दोस्तों व्हाट्सएप के जो कॉल होता है वो बहुत ही कॉल आ रहा है तो आप इसे ऑफ कर सकते हो जस्ट एक सेटिंग करके। मैं दो सेटिंग बताऊंगा, जो दो सेटिंग करने के बाद आपके जो भी कॉल कर रहे हैं ना वो लोग कॉल तो करते रहेंगे लेकिन आपके पास कोई भी परेशान नहीं आएगा और आपके मोबाइल पे कॉल बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सएप के अंदर ये सेटिंग मौजूद है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में बताऊंगा, दो ट्रिक बताऊंगा। जो ट्रिक यूज करके आप किसी का भी कॉल अगर अपने मोबाइल पे आ रहा है व्हाट्सएप कॉल, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, वो दोनों ही बंद कर सकते हो। मतलब कि कॉल बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक ना आप वो ऑप्शन ऑन करोगे, तब तक कॉल बिल्कुल नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ही न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप कॉल लिस्ट है, आप देख सकते हो बहुत ही कॉल आ रहा है लेकिन आपको ऑफ करने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको करने के लिए आपको एक सेटिंग कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या होगा। अपने सेटिंग पे आ जाना होगा, ठीक है। अपने मोबाइल पे सेटिंग पे आ जाइए। सेटिंग पे आप जैसे ही आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐप ढूंढ लेना है, जो भी ऐप मैनेजमेंट होगा अपने मोबाइल पे, हो सकता है कि एप्लीकेशन बोल के लिखा रहेगा। तो मेरा मोबाइल पे आप देख सकते हो कि ऐप मैनेजमेंट बोल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे ऐप लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको देख सकते हो। ऐप लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे अपने मोबाइल पे जितने सारे ऐप होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सअप ढूंढ लेना होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा। अगर आप शॉर्टकट में ये ऑप्शन लेकर आना चाहते हो सिंपल आपको करना क्या होगा, व्हाट्सअप ढूंढ लीजिए, उसके बाद इसको लॉन्ग प्रेस करिए, उसके बाद आई देख सकते हो ऐप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आप सेटिंग से भी ढूंढ सकते हो और आसानी से आप ऐप पे जाके आप ढूंढ सकते हो। किसी भी तरीके से आपको ये सेटिंग पे आ जाना है। अब जैसे ही आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत सारे आपको सेटिंग मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आप जो पहला ट्रिक बताऊंगा कुछ इस टाइप से आपको इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको मैनेज आप देख सकते हो मैनेज नोटिफिकेशन बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मैंने ऑफ करके रखा हूँ इसलिए मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अब मैं जैसे ही ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे होगा क्या, आपने करना क्या होगा, आपके पास इस पकड़ से रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ है इसे आपको ऑफ कर देना होगा। अब ऑफ करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। अब नीचे आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप नीचे आप देख सकते हो कॉल नोटिफिकेशन बोल के एक ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ से ये कॉल नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देना होगा। अब जैसे ही ऑफ कर देंगे उसके बाद आपको और एक सेटिंग कर लेना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मैनेज मैसेज नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, मैंने मैसेज नोटिफिकेशन को आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है और आपको एक चीज़ कर लेना होगा, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे सब कुछ हो गया, ये पहला ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे आ जाइए, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ओपन करके यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे नोटिफिकेशन बोल के एक ऑप्शन रहेगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हो कॉल्स का नोटिफिकेशन एंड रिंगटोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कॉल्स रिंगटोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे ऊपर डिफॉल्ट पे रिंगटोन रहेगा तो आपको नॉन पे क्लिक कर देना, नॉन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये साइलेंट हो चुका है। अब आपको नीचे प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा तो प्राइवेट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉल आएगा तो आपको बिल्कुल जो भी कॉल करेगा कॉल तो आ जाएगा लेकिन आपके पास कोई भी दिक्कत वाली कोई सीन नहीं होगा। मतलब कि आपके पास बैनर भी नहीं आएगा, कोई आवाज़ नहीं आएगा, प्राइवेट नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। सिंपल आपको कॉल लॉग पे आके पता चलेगा कि हाँ उसी बंदे ने कॉल किया। और एक दूसरा जो ट्रिक मैं बताया था वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो मतलब कि आपको जो भी कॉल करेगा, अगर आपको कोई भी कॉल करे ना तो उसको दिखाएगा कि आप ऑफलाइन हो चुके हो। हाँ जी दोस्तों, वो करने के लिए आपको करने का सिंपल उसी तरह आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे ऐप इन्फो पे दोबारा आ जाना है। कुछ इस टाइप से आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेटा यूजर डिटेल्स मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डिसेबल मोबाइल डेटा एंड डिसेबल वाईफाई यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देना होगा। इसमें होगा क्या, कोई भी अगर मैसेज करे तो आपको ऑफलाइन दिखेगा और अदर्स आप कोई भी ऐप यूज़ कर पाओगे, नेट मतलब कि आप इंटरनेट सभी ऐप में यूज़ कर पाओगे और व्हाट्सएप पे कोई भी इंटरनेट यूज़ नहीं होगा। और उसी तरह अगर इंटरनेट यूज़ नहीं होगा तो आपके मोबाइल पे कॉल नहीं आएगा, मैसेज भी नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। मतलब कि व्हाट्सएप में इंटरनेट बंद हो जाएगा। और उसी तरह आप दोबारा आके इसे अगर जब तक ना ऑफ करोगे तब तक आप व्हाट्सएप पे किसी का भी मैसेज नहीं कर पाओगे और किसी का मैसेज नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हो, आपके मर्जी आप कैसे यूज करोगे। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।